तो भाई नमस्कार सभी दोस्तों को, स्वागत करते हैं भी आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि नोजल प्लंजर की जो सेटिंग होती है वो क्या होती है और किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों जो मिस्त्री कर रहा है अभी, काले के है ये प्लंजर है, मतलब गाड़ी जो रेस में जो कमी थी इस गाड़ी में, स्लो सेट को नहीं आती, मरमर का उठे थी टक 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 करके, मतलब इसकी कमी तो भी ठीक हो सके वो चीज। तो भाई देख लो आप किस तरीके से की जाती है। ये इसका रेस का सिस्टम है, इसको मतलब रेस चेक की जा रही है ऐसे करके। तो भाई अब ना इसकी उल्टी रस्सी घुमाई जाएगी और इसमें उल्टी रस्सी देखिए चेक कर रहा होगा, तेल फेंकेगा, तेल ऊपर आओगा, फ्लो करेगा तेल, अगर मतलब तेल आओगा तो सेट है, अगर नहीं आवे तो सेट को नहीं बंद करना था, बंद कराएं तो तेल बंद होगा। अच्छा मतलब जिस तब आप बंद करा रस्सी खींच के या तार खींच के और तेल भी साथ के साथ बंद होना चाहिए तो सेट है, मतलब सेट से। ना तेल आया है सेट को नहीं, फिर इसका मतलब प्लंजर में सेटिंग कर लग रहे हो। है कोनी अंदा, मतलब इसमें ये ऑन लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो छोड़ दिया। अच्छा अच्छा छोटे पास है तो आवेगा। अच्छा तेल नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों ये सेटिंग और होती है कि उल्टी रट्टी रस्सी घुमाओ और जो इसकी बंद करने की तार होती है उसको भी बंद कर दो साथ में, फिर पंप में से तेल आए तो पंप खत्म है भाई। तो एक नॉलेज की चीज है, ऐसी नॉलेज की चीज हम आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया भाई, बंद करके और उल्टी रस्सी लगा के अगर मतलब पंप खोल गए और जो स्टॉप की तार होती है उसको भी खींच ले भाई किसी के हेल्प से, रस्सी उल्टी लगाए अगर पंप फिर तेल बाहर फेंकता है तो इसका मतलब पंप में कमी है। हमने आपको बता दिया भाई इस तरीके से गए, फिर उसके बाद 17 नंबर की चाबी से ये जो इसकी पाइप है वो बंद कर दे। तो देख ले भाई अभी इसको पाइप भी फिटिंग कर दी है और अब सीधी रस्सी मारी जाएगी इसकी। तो देखते हैं इसकी स्लो सेट आती है क्या रहता है क्या नहीं। मार दे भाई रस्सी, तो स्टार्ट हो चुकी है, अभी देखते हैं इसकी स्लो सेट आई या नहीं आई, पूरी रेस देवा है भाई इसकी। अभी दोस्तों जिस तरीके से हमने कराया एक घंटे बाद पता लगेगा इसका स्टार्ट रहेगा भी एक घंटे तक।